कोई भी रचना जब लिखी जाती है तो उस रचना के दो पक्ष होते हैं। रचना क्या कह रही है और रचना कैसे कह रही है। क्या कह रही है को ही भाव पक्ष कहते हैं और कैसे कह रही है को ही कला पक्ष कहते हैं। क्या कह रही है रचना इसे कथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं रचना ने क्या कहा कथ्य। रचना क्या कह रही है और कैसे कह रही है इसे ही शिल्प कहते हैं। बोलो शिल्प का अर्थ रचना शैली निर्माण बुनावट। इसलिए किसी भवन का शिल्प आपने सुना होगा इसका शिल्प उसका शिल्प है ना। जो भाव पक्ष है उसे अनुभूति से जोड़ के देखते हैं। किससे जोड़ के देखते हैं और जो शिल्प पक्ष है उसे अभिव्यक्ति से जोड़कर देखते हैं। किससे जोड़कर देखते हैं अभिव्यक्ति मतलब रचनाकार के जो भाव है जो उसकी विचारशीलता है वही यदि अनुभूति है तो उन्हें किस भाषा शैली में वह व्यक्त कर रहा है कैसे अपनी बात कह रहा है वही अभिव्यक्ति है। तो इसका अर्थ है किसी भी कविता का जब शिल्प पूछा जाए तो बात कैसे कही जाती है उसकी भाषा कैसी है उसमें छंद कैसे हैं उसमें बिंब प्रतीक हैं क्या क्या वह रचना मुक्तक है या वह रचना प्रबंधात्मक है। किस तरीके से बात कही गई है। सबको भूख लगती है भाव सबका एक ही जैसा होता है लेकिन उसे व्यक्त करने वाली जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं बहुत भूख लगी है कुछ लोग कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कुछ लोग कहते हैं टंकी खाली है। तो कई तरीके से बात रखी जाती है। तो रचना के कितने पक्ष हैं। राम की शक्ति पूजा का भाव अब आप समझ चुके हैं। इसमें शक्ति साधना है निराश राम को शक्ति साधना की आवश्यकता पड़ती है। राम की पीड़ा ये है कि अन्याय के पक्ष में महाशक्ति खड़ी है या ना। तो अब इस रचना का शिल्प पक्ष क्या है। अपनी कविता खोल लीजिए कॉपी भी खोल लीजिए। खुल गई कविता देखिए। राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा छायावादी विशेषताओं को धारण करने वाली एक लंबी कथात्मक कविता है। छायावादी विशेषताओं को धारण करने वाली एक लंबी कैसी कविता है कथात्मक कविता है।
कुछ आलोचकों ने इसे पश्चिमी महाकाव्य की उपमा दी। इसे पश्चिमी महाकाव्य की क्या दी? उपमा दी। कुछ आलोचकों ने माना कि जिस प्रकार पश्चिमी रचनाओं में सतत निराशा और अंधकार की उपस्थिति रहती है, निराशा और अंधकार की उपस्थिति रहती है, उसी प्रकार राम की शक्ति पूजा में भी यह निराशा और अंधकार व्याप्त है। राम की शक्ति पूजा में भी यह निराशा और क्या व्याप्त है? दोस्तों, भारतीय और पश्चिमी रचनाओं की एक पहचान है, दोनों में एक अंतर है। जो भारतीय या संस्कृत महाकाव्य है और जो पश्चिमी पाश्चात्य महाकाव्य है, दोनों का अंतर है। पाश्चात्य महाकाव्य में नायक अंततः मर जाता है, हत्या या आत्महत्या ही पाश्चात्य महाकाव्य की अंतिम पहचान है, अंत में मृत्यु। इसलिए पश्चिमी रचनाओं को दुखांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं। उसमें निराशा, अंधकार, मृत्यु, चारों ओर संघर्ष। परंतु जो भारतीय महाकाव्य शैली है उसमें नायक अंततः जीतता है। आप देखे होंगे, हमारे यहाँ फिल्में भी खत्म होती हैं तो उसमें लिखा होता है विद हैप्पी एंडिंग। क्या लिखा होता है? तो ऐसे अंत को सुखांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। राम की शक्ति पूजा निराशा से शुरू तो होती है, परंतु आशा और जीत की उम्मीद के साथ खत्म होती है। महाशक्ति राम के पक्ष में आ जाती है और क्या कहती है? होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम। कुछ बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि इस कविता में देखेंगे कि जहाँ नैशा अंधकार है, रात्रि का अंधकार, वहां भी तारों का प्रकाश है, और जहां अमानिशा है, अमावस्या की रात्रि का अंधकार है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। जरा देखो तो कविता के एकदम अंतिम में, पहले पेज के अंत में, फर्स्ट पेज के अंत में है अमानिशा खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन पीछे अप्रतिहत गरज रहा अम्बुदी भूषाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल
देखो जहाँ अमावस्या की तरह अंधकार है उसके भी अंत में मशाल जल रही है। क्या जल रही है? केवल जलती अर्थात बोलो ये रचना पश्चिमी महाकाव्यों की तरह नहीं है। क्यों? इस रचना का अंत एक तो किस में होता है और इस रचना में चारों ओर अंधकार और निराशा नहीं है। रचना अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील है, निराशा से आशा की ओर और जहाँ कहीं अंधकार है भी वहाँ भी प्रकाश का द्वंद्व। यह रचना द्वंद्व प्रधान है। किसका? किसका? धर्म और अधर्म का, सत और न्याय और ऐसे ही अंधकार और प्रकाश का भी द्वंद्व है। बात समझ में आ रही है? नीचे से राम की शक्ति पूजा में सिर्फ अंधकार और निराशा को स्वीकार कर लेना तर्क संगत नहीं है। यह रचना निराशा से आशा की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील है। अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील है। वस्तुतः यह एक द्वंद प्रधान रचना है। जिस प्रकार इसमें न्याय और अन्याय तथा धर्म और अधर्म का द्वंद्व बरकरार है, जिस प्रकार इसमें न्याय और अन्याय तथा धर्म और अधर्म का द्वंद्व व्याप्त है, उसी प्रकार इस रचना में अंधकार और प्रकाश का भी द्वंद्व बरकरार है। अमावस्या की रात्रि के अंधकार में भी मशाल जल रही है। अमावस्या की रात्रि के अंधकार में भी मशाल जल रही है। राम के मन में बेशक निराशा है, परंतु उनकी आंखें चमक रही हैं। राम के मन में बेशक निराशा है, परंतु उनकी आंखें चमक रही हैं। देखिए पंक्ति, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर, पहले ही पेज में
पहले ही पेज में, हाँ पहला जो बंद है, रघुनायक आगे अवनी पर, राम आगे आगे चल रहे हैं, उनके हृदय में नैशा अंधकार यानी निशा के अंधकार की तरह निराशा है, लेकिन चमकती दूर ताराएं मानो उनकी दो आँखें चमक रही हैं तारों की तरह। तो इस कविता में जहाँ कहीं अंधकार है, प्रकाश का द्वंद है, सतत अंधकार नहीं, सिर्फ अंधकार नहीं, राष्ट्रीय जनता भी सिर्फ निराशा में नहीं जी रही थी, उसे अपनी अतीत की शक्तियाँ मालूम थी। शक आए, हुण आए, यवन आए, सिथियन पार्थियन, सबको हमने खदेड़ दिया भाई, तो अतीत की हमारी श्रेष्ठता थी। तो राष्ट्रीय जनता के मन में कहीं ना कहीं एक प्रकाश की किरण थी, कहीं ना कहीं आशा जीवित थी कि अंग्रेजों को भी हम जरूर खदेड़ देंगे, अंग्रेजों को भी हम कहीं ना कहीं अवश्य भगा देंगे, है ना। अब दोस्तों, ये एक लंबी कथात्मक कविता है। इसकी कथा कहाँ से ली गई है? बंगला रामायण, है ना। लिखिए, राम की शक्ति पूजा, नीचे से की कथा। बंगला रामायण के दसवें कांड लंका कांड से ली गई है। जो लोग भविष्य में कभी नेट GRF दोगे, ये सब छोटी छोटी बातें तुम्हें जिताती हैं। किस कांड से ली गई हैं? दसवें कांड लंका कांड। कौन सी रचना? बंगला रामायण। यह सिर्फ एक लंबी कथात्मक कविता है, फिर भी इसका शिल्प, यह सिर्फ लंबी कथात्मक कविता है, फिर भी इसका शिल्प, ब्रैकेट में बुनावट, कहीं महाकाव्यों का आभास देता है, तो कहीं इसमें नाटकीयता दिखाई पड़ती है। ये कैसी कविता है दोस्तों? एक लंबी कथात्मक कविता है, लेकिन इसमें आभास है मानो नाटकों का, मानो महाकाव्य का। राम की शक्ति पूजा सिर्फ एक लंबी कथात्मक कविता है, परंतु इसका शिल्प, ब्रैकेट में बुनावट, कहीं महाकाव्यात्मक आभास देता है शिल्प, तो कहीं इसमें नाटकीयता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, कहीं इसमें नाटकीयता दिखाई पड़ती है। दोस्तों, यही कविता है। क्या है? लेकिन इसे आलोचकों ने नाटक भी कह दिया और महाकाव्य भी कह दिया। जब कोई नाटक की बात करते हैं हम, तो नाटक में दृश्य होता है। क्या होता है? जैसे आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे नाटक अंधेर नगरी, तो उसमें श्मशान का दृश्य है, अरण्य का दृश्य है, बाजार का दृश्य है, राजभवन का दृश्य है। नाटकों में दृश्य योजना रहती है। कौन सी योजना रहती है?
नाटक में संवाद की योजना रहती है। कैसी योजना रहती है? दो पात्र अक्सर आपस में बात करते रहते हैं, है ना? पात्र अपने में बात करते हैं, और नाटकों में नाट्य संघर्ष भी होता है। क्या होता है? कि नायक जा रहा है, सफलता के निकट है, और जैसे ही सफलता हासिल करने वाला है कि अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है। हीना मूवी याद है? नायक जीप लेके एकदम दौड़ा, सरपट भाग रहा है, और नायिका इधर गाना गा रही है, देर न हो जाए कहीं। और तब तक नायक का एक्सीडेंट होता है और जीप नदी में जा गिरती है, ये बहते बहते पाकिस्तान चला जाता है, है ना? डेढ़ घंटे तक गायब रहता है, नहीं तो कई सौ साल तक गायब भी रहेंगे ऐसे लोग जो प्रेम में बेचारे भटक जाएं, उनका क्या। तो समझिए, नाटक के तत्व इस कविता में है। इस कविता में तीन दृश्य हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियां देखो, शुरुआती पंक्तियों में युद्ध का दृश्य है, है ना? उसके नीचे जो दूसरा बंद देखो, लौटे युग दल। युग यानी दोनों दल, युद्ध के पश्चात दोनों दल की सेनाएं लौट रही हैं, यानी युद्ध का दृश्य और लौटती सेनाओं का दृश्य। जो दूसरा दृश्य है दोस्तों, पन्ना पलटिए तो ठीक देखिए, बैठे मारुति दूसरे पेज पर आखिरी बंद, और थोड़ा उससे भी ऊपर देखो, पहले पेज पर ही देखो, आए सब शिविर सानू पर पर्वत के मंथर। बीच में देखो, सुग्रीव विभीषण आदिक बानर सेनापति, सभी सैनिक सभी वीर सेनानी युद्ध से लौट करके सानू पर्वत पर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? पर्वत की चोटी का नाम है। और यहाँ सभा बैठी हुई है, यानी जो दूसरा दृश्य है वो सानू सभा का दृश्य है। और यदि तीसरे दृश्य की बात करें तो राम शक्ति साधना में लीन हो जाते हैं।